हेलो, वेलकम टू फन फूड। अदरक को कूट करके मैंने इसका पेस्ट तैयार किया है। अजवाइन लिया है, एक बॉल बेसन लिया है और एक मिर्चा दो टमाटर का पेस्ट तैयार किया है और ये सारे मैंने टेस्ट मेकर ले रखे हैं। अब मैं ग्रेटेड लौकी में इसे डाल के इसका डो तैयार करूँगी। सबसे पहले मैंने डाला हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला हाफ स्पून डाला, नमक एज पर टेस्ट और ये मैंने रेड चिल्ली पाउडर डाला। लाल मिर्च पाउडर आप ये छोटे बच्चे को खाने इसलिए मैंने डाला, आप ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने कूटा हुआ अदरक का पेस्ट इसमें ऐड किया। अजवाइन को अब मैं क्रश करके इसमें डाल दूँगी, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो आप जब भी अजवाइन ऐड करें ऐसे क्रश करके ही ऐड करें। और इसमें अब मैं बेसन ऐड करके इसका डो तैयार कर लूँगी। अब मैं एक एक करके इसे फ्राई कर लूँगी ऑयल में। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में। देखिए अभी फ्राई हो चुका है अच्छे से, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। तो लौकी के पकौड़े तैयार हो गए, अब हमें ग्रेवी तैयार करना है। मैंने सबसे पहले ऑयल डाला कढ़ाई में, हींग डाला, जीरा डाला, ये मैंने अदरक का पेस्ट डाला, तेल का फ्राई करके अब मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर। आप चाहे तो यहाँ पे रेड चिली पाउडर भी यानी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने टमाटर में और मिर्चा डाल के मैंने पेस्ट तैयार किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड चिली ऐड नहीं किया है, क्योंकि बच्चे को खाना है कम तीखा चाहिए, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। आप चाहे तो यहाँ पे रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं। और ये टमाटर का पेस्ट मैंने एक हरी मिर्च और दो टमाटर से तैयार किया है। और जो हमने इसमें पकौड़े तैयार किए थे उसमें भी मैंने रेड चिली डाला था, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम इसे ढक के थोड़ी देर तक पकाएंगे, एक दो मिनट तक हम ढक करके पकाएंगे। एक दो मिनट हो गए हैं, अब मैं कवर हटा रही हूँ। देखिए इसका तेल अब ग्रेवी के ऊपर तैरने लगा है, मतलब अच्छे से पक गया मसाला। अब इसका ग्रेवी हम तैयार करने के लिए, काढ़ा करने के लिए इसमें हम बेसन ऐड करेंगे और साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। ये अच्छे से तैयार हो गया, अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, जैसा आपको ग्रेवी चाहिए वैसा ऐड कीजिएगा। पानी में अच्छे से ग्रेवी को हम मिला के फिर इसे ढक देंगे और 3 से 4 मिनट तक पानी के साथ इसे पकाएंगे। चार मिनट हो गया, अब मैं कवर हटा रही हूँ और ये ग्रेवी के ऊपर देखिए तेल तैर रहा है, इसका मतलब ये तैयार है ग्रेवी इसका।
तो अब हम इसमें लौकी की पकौड़ी को ऐड कर देंगे। और फिर से हम इसे वापस ढक के 3-4 मिनट तक पका लेंगे, लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और हाँ, इसमें ढकने से पहले हम नमक ऐड कर लेंगे एज पर योर टेस्ट। हमने पकौड़े में ऑलरेडी नमक ऐड किया था, तो यहाँ पे हमें सिर्फ ग्रेवी के लिए ऐड करना है। अब मैं इसे ढक दूँगी। 3 मिनट हो गए, मैं कवर को हटा रही हूँ। और देखिए कोफ्ता कितने अच्छे से तैयार हो गया और कितना अच्छा दिख रहा है। ये हमारा लौकी का कोफ्ता तैयार है। सो मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। और अब मैं इसे गैस से नीचे उतार के हरा धनिया ऊपर से गार्निश करके सर्व कर लूँगी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।